वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस। डेबिट कार्ड ईएमआई किस बेस पर आधारित है? डेबिट कार्ड पर जो आपको ईएमआई लिमिट बैंक प्रोवाइड करता है वो लिमिट आपको किस पर आधारित मिलती है? आपका सिबिल बेस पर, या फिर आपके इनकम बेस पर, आपके अकाउंट के मेंटेनेंस बेस पर, या फिर आपकी फाइनेंशियली जो परफॉर्मेंस है, डेटा है, उसको मैच किया जाता है। तो आखिर डेबिट कार्ड ईएमआई किस बेस पर आधारित है और आपको कौन से सेविंग अकाउंट में, कौन से डेबिट कार्ड में आपको सबसे पहले डेबिट कार्ड ईएमआई की लिमिट, डेबिट कार्ड ईएमआई की सर्विस होती है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ठीक इसी तरह से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जिन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सबसे पहले आप ईएमआई कार्ड का यूज करते थे। मार्केट में जब ईएमआई का कॉन्सेप्ट आया तो सबसे पहले आपको बजाज ईएमआई कार्ड या फिर एचडीबी ईएमआई कार्ड, ठीक इसी तरह की ईएमआई कार्ड की सर्विस आपको सबसे पहले देखने को मिलती थी। क्योंकि गाइस, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, जिस वैल्यू का जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, उतना कोई भी कंज्यूमर एक साथ में अपना पेमेंट नहीं कर पाता। इसी बात को ध्यान में रखकर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन यानी कि ईएमआई कार्ड का एक कंसेप्ट आया, और ईएमआई कार्ड का जो कंसेप्ट आया उसके पीछे कंज्यूमर को एक सुविधा मिल जाती है कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेज करना चाहता है वो प्रोडक्ट उसको ईएमआई पर मिल जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, जैसे कि 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, या फिर 60,000 से अबव है, तो गाइस इतना जो पेमेंट है वो एक साथ में किसी भी कंज्यूमर के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आप ईएमआई के जरिए उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, और ईएमआई की सुविधा में आपका बजाज ईएमआई कार्ड आ गया। ठीक इसी तरह से आपके बहुत सारे ऐसे आपको पहले के टाइम में ईएमआई कार्ड की सुविधा मिलती थी, तो आप ईएमआई कार्ड का यूज करके, ईएमआई सर्विस का यूज करके आप प्रोडक्ट को परचेज करते थे। तो गाइस, टाइम के अकॉर्डिंग एक समय ऐसा भी आया, अपने बैंकों में अपने जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें हम डेबिट कार्ड को यूज करते हैं, उस डेबिट कार्ड पर भी बैंक ईएमआई की लिमिट प्रोवाइड करने लगे। डेबिट कार्ड पर जो ईएमआई की लिमिट होती है, ईएमआई की लिमिट जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, वो लिमिट आपको किस आधार पर मिलती है वो आपको मैं थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर कर लेता हूँ। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेबिट कार्ड की जो सर्विस है, डेबिट कार्ड पर जो आपको लिमिट मिलती है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, और उसी लिमिट का यूज करके आप किसी भी टाइप के कोई भी प्रोडक्ट को इजी इंस्टॉलमेंट पर बाय कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पर ईएमआई लिमिट मिलती है, उसमें आपका सबसे पहला कंसेप्ट है उसको हम सिबिल मान सकते हैं। क्योंकि गाइस, देखा गया है कि ज्यादातर जो अकाउंट होल्डर होते हैं उसको जो अपने डेबिट कार्ड पर ईएमआई लिमिट मिलती है, डेबिट कार्ड पर जो डीसी ईएमआई की लिमिट मिलती है, वो लिमिट ज्यादातर ऐसे लोगों को मिलती है जिनके पहले से सिबिल क्रिएटेड है, जिनके पहले से सिबिल बना हुआ है, एक स्कोर बना हुआ है, उन लोगों को सबसे पहले डेबिट कार्ड की लिमिट मिलती है, और लिमिट जब मिलती है तो काफी हाई लिमिट भी मिलती है। तो गाइस, अगर आपका भी अभी तक सिबिल जनरेट नहीं हुआ है तो आप सिबिल को जनरेट कर सकते हैं एक एफडी बेस क्रेडिट कार्ड लेके। एफडी बेस क्रेडिट कार्ड आप कहां से ले सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नॉलेज मिल जाएगा। सिबिल के अलावा भी कुछ और कंसेप्ट है, जैसे कि आपका इनकम बेस हो गया, आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, ये भी निर्भर करता है आपके फाइनेंशियली जो बैकग्राउंड है, या फिर आपके फाइनेंशियली जो परफॉर्म है वो कैसी है, ये भी मायने रखता है। बट सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर सही होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए। इनकम बेस की अगर बात करें तो आपका इनकम बेस भी अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, जो भी आपकी सैलरी है या फिर जो भी आपकी इनकम है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये भी एक बात मैटर हो सकती है कि आपको जल्दी से डेबिट कार्ड पर ईएमआई की लिमिट बैंक प्रोवाइड करे। बट गाइस, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, डेबिट कार्ड पर जो ईएमआई की लिमिट बैंक आपको प्रोवाइड करता है उसमें यहाँ पर आपके अकाउंट पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में डेबिट कार्ड ईएमआई का वेट करेंगे तो हो सकता है आपको डेबिट कार्ड पर लिमिट ना मिले। बट वही अगर मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, एक प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक होता है उसमें आपको
ज़्यादा लिमिट और कम समय में डेबिट कार्ड ईएमआई की लिमिट मिल जाती हैं। तो जैसे कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आजकल तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको डेबिट कार्ड पर जो लिमिट होती है वो प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन प्रोवाइड करता है। तो इन सभी की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा, आप किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गाइस, अगर आप अपना सेविंग अकाउंट एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेंटेन रखते हैं, जो मैंने आपको बताए, यहाँ पर अगर आप अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो हो सकता है आपको सबसे पहले डेबिट कार्ड ईएमआई की लिमिट की सुविधा मिले, और यहाँ पर आपको जब लिमिट मिलती है तो ज़्यादा लिमिट ही मिलती है, आप ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं या फिर अपने लिमिट का जो यूज है वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए।